पहला तो जेटली साहब ने दिया था कि हम गुप्त बॉन्ड इसलिए ला रहे हैं, खुले में डोनेट करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी को और अगर वो अपोजिशन को डोनेट करे तो रूलिंग पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी उसको प्रताड़ित कर सकती है उस कंपनी को कि तुमने अपोजिशन को क्यों चंदा दिया, इसलिए हम गुप्त बॉन्ड लाए। और मोदी जी ने ये जस्टिफिकेशन दिया बाद में कि हम जो कैश डोनेशंस होते थे पॉलिटिकल पार्टियों को वो कैश कम करना चाहते थे, इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप बैंक से ही खरीद सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर वार्ता है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप सबको शायद पता होगा कि 2017-18 में एक कई कानून में बदलाव लाके और फिर एक स्कीम लाकर लाए गए और उसका मकसद ये था कि एक गुप्त तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जा सके। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेरर बॉन्ड्स थे जो कि स्टेट बैंक की किसी ब्रांच से आप खरीद सकते थे, 1,000 से 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशन के थे और ज़्यादातर 95% 1 करोड़ के ही खरीदे गए और ज़्यादातर कंपनियों ने खरीदे, 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए फरवरी 2018 से लेकर या जनवरी 2018 से लेकर जब स्कीम चालू हुई तब से लेकर फरवरी 2024 तक जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया, यानी 6 साल में करीब 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए, उसमें से आधे बॉन्ड भाजपा को दिए गए और आधे बॉन्ड दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को दिए जा सकते थे। जब ये बॉन्ड लाए गए तो दो तरह के इसके जस्टिफिकेशन दिए गए। पहला तो जेटली साहब ने दिया था कि हम गुप्त बॉन्ड इसलिए ला रहे हैं कि अगर कोई कंपनी खुले में डोनेट करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी को और अगर वो अपोजिशन को डोनेट करे तो रूलिंग पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी उसको प्रताड़ित कर सकती है उस कंपनी को कि तुमने अपोजिशन को क्यों चंदा दिया, इसलिए हम गुप्त बॉन्ड लाए। और मोदी जी ने ये जस्टिफिकेशन दिया बाद में कि हम जो कैश डोनेशंस होते थे पॉलिटिकल पार्टियों को वो कैश कम करना चाहते थे, इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड तो आप बैंक से ही खरीद सकते हैं और कोई ऐसा ही जना खरीद सकता है जो चेक से या ड्राफ्ट से वो पैसा दे स्टेट बैंक को और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले। दूसरी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बार किसी ने खरीद लिया तो वो किसी और को भी दे सकता है और वो जना जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। अब ये दोनों ही जस्टिफिकेशन झूठे निकले क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो भारत सरकार का बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन बॉन्ड के ऊपर एक गुप्त नंबर रखा हुआ था और वो नंबर अल्ट्रावायलेट लाइट में दिखाई देता था और जब वो बैंक किसी को बॉन्ड बेचता था तो वो बॉन्ड का नंबर रिकॉर्ड किया जाता था और जब वो बॉन्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने खाते में जमा करती थी फिर से स्टेट बैंक उस बॉन्ड का नंबर वहाँ लिखता था। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो ये बात पता थी कि कौन से नंबर का बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने उसको अपने खाते में जमा किया। तो इसलिए जेटली साहब का ये कहना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता था यानी कि रूलिंग पार्टी को पता था तो इसलिए ये जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल बोगस था, यानी कि रूलिंग पार्टी को तो ये पता लग रहा था कि किसने चंदा ऑपोजिशन को दिया किसने उनको दिया लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज को ये बात नहीं पता लग रही थी, जनता को ये बात नहीं पता लग रही थी। अच्छा, मोदी जी ने जो जस्टिफिकेशन दिया कि भाई हम कैश को कम करना चाहते थे या कैश खत्म करना चाहते थे ये भी गलत था क्योंकि देखिए
कैश दो तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जाता है। एक तो कैश ऐसे ही दे देते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में दिखाती ही नहीं है, वो बस कैश रख लेती है और इलेक्शन में यूज करती है। जैसे आजकल कैश को पकड़ा जाता है इलेक्शन के दौरान, उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को खूब कैश मिलता है जो कि अपने अकाउंट में नहीं दिखाते। लेकिन जो कैश अकाउंट में दिखाते भी हैं, उसमें इन्होंने एक ऐसा कानून बना रखा है कि 20,000 से कम के टुकड़े में अगर आपको पैसा मिले तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसने आपको पैसा दिया, बाकी बताने की जरूरत है, लेकिन 20,000 से कम का अगर कैश मिले तो बताने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करने लगी हैं, क्या शुरू से ही करती रही हैं, कि उनको अगर 100 करोड़ 1,000 करोड़ भी मिलता है कैश में, जो वो दिखाती हैं अपने खाते में कि हमको 1,000 करोड़ कैश में मिला, वो ये कह देते हैं कि ये 20,000 से कम के टुकड़ों में मिला है और इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है कि किसने दिया। एप्लीकेशन बोगस था, क्योंकि ये कोई कानून नहीं लाया गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश में डोनेशन ले नहीं सकती। ये ला सकते थे कानून, आसानी से ला सकते थे, अगर इनका मकसद ये था कि इलेक्शंस में कैश ना यूज हो तो वो आसानी से कानून बनाया जा सकता था, सिर्फ एक अमेंडमेंट करते रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि आगे से कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश में पैसा नहीं लेगी, कैश में खर्चा नहीं करेगी और सब कुछ बैंक के ही थ्रू होगा, और अगर किसी को पकड़ लिया गया तो वो पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कानून बना सकते थे, नहीं बनाया। अच्छा, हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज किया 3 आधार पर। पहला तो ये कि ये गुप्त दान जो है ये लोगों के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, लोगों को ये जानने का अधिकार है कि कौन चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये उसके खिलाफ है। दूसरा, हमने बोला कि ये घूसखोरी बढ़ाएगा देश में, क्योंकि ये गुप्त तरीके से चंदा देने से ये होगा कि बहुत सारी कंपनियां जिनको उन सरकारों से फायदा मिल रहा है, सरकारों से फायदा मिल रहा है, वो उन सरकारों के ऊपर जो पार्टियां काबिज हैं उन पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देंगी, जिससे कि घूस दे सकें, और उनको पता है कि भाई ये गुप्त है तो और किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस दे दी। तीसरा, हमने ये बोला था कि भाई इससे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में ये डिस्टर्ब हो जाएगा चुनाव में, क्योंकि जो पार्टियां सरकारों पे काबिज हैं, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, उन्हीं को ये चंदा मिलेगा, बाकी पार्टियों को नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद ही सही, लेकिन 6 साल के बाद जब फैसला दिया तो हमारी ये तीनों दलीलें मान ली, उन्होंने ये मान लिया कि ये बॉन्ड जो है गैर संवैधानिक है क्योंकि सूचना के अधिकार के खिलाफ है, ये भी मान लिया कि ये घूसखोरी बढ़ाएगा, ये भी मान लिया कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। उन्होंने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को ही नहीं रद्द किया, लेकिन एक और कानून बनाया गया था जो उसी के साथ साथ लाया गया था कि अब कंपनियां कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट कर सकती हैं, क्योंकि उससे पहले कानून ये कहता था कि कोई कंपनी अपने एवरेज 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा नहीं डोनेट कर सकती पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन वो कानून हटा दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड लाते समय, और ये कह दिया कि कोई भी कंपनी कितना भी पैसा दे सकती है, चाहे उसका प्रॉफिट हो ना हो, कुछ भी हो, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया इस संशोधन से। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये करी कि उन्होंने स्टेट बैंक को आदेश दिया कि तुम 3 हफ्ते के अंदर ये पूरी सूचना बताओ कि किसने ये बॉन्ड खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसके 3 हफ्ते बाद एक एप्लीकेशन फाइल करी कि भाई हमको 3.5 महीना और लगेगा ये पता लगाने में किसने बॉन्ड दिए किसको दिए, क्योंकि इसमें तो
अलग अलग नंबर हैं, हमको नंबर मैच करने में 3.5 महीना लगेगा, हमको मोहलत दे दीजिए, चुनाव के बाद हम ये बता पाएं, 30 जून के बाद हम ये बता पाएं, ये उन्होंने दरखास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई सवाल ही नहीं है, तुम कल तक बताओ, तुम दोनों तरफ बता दो किसने बॉन्ड खरीदे, ये भी बता दो किसने बॉन्ड जमा करे, और सारी सूचना इसकी दे दो। तो उन्होंने एक दिन के अंदर ये तो बता दिया कि किसने बॉन्ड खरीदे, कब किस तारीख को कितने कितने रुपए के खरीदे, और किस पार्टी ने किस तारीख को कितने कितने रुपए के बॉन्ड जमा किए, लेकिन ये नहीं बताया कि हर बॉन्ड का नंबर क्या था, जिससे कि लोगों को ये ना पता लग सके कि कौन से बॉन्ड किस कंपनी ने खरीद के किस पार्टी को दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुमने बॉन्ड का नंबर तो बताया नहीं, बॉन्ड के नंबर तो बताओ। तो उन्होंने दोनों जगह बॉन्ड के नंबर बता दिए, खरीदने वालों के खाते में ये बॉन्ड नंबर इस कंपनी ने खरीदा, ये बॉन्ड नंबर इस कंपनी ने खरीदा, और फिर जमा करने वालों के खाते में कि ये बॉन्ड नंबर इस पार्टी ने जमा किया, ये बॉन्ड नंबर इस पार्टी ने जमा किया। और जैसे ही उन्होंने ये सूचना दी तो लोगों ने कंप्यूटर के जरिए 2 मिनट में मैचिंग कर ली कि कौन सा बॉन्ड किस कंपनी ने खरीद कर किस पार्टी को दिया। और जब ये खुलासा हुआ कि किसने बॉन्ड खरीद कर किस पार्टी को दिया, तो कुछ खोजी पत्रकारों ने फटाफट ये पता लगा लिया कि जिन कंपनियों ने, जिन पॉलिटिकल पार्टियों को ये बॉन्ड का पैसा दिया, उन कंपनियों को, उन पार्टियों के ऊपर काबिज जो सरकारें थीं, या जिन सरकार के ऊपर ये पार्टियां काबिज थीं, इन सरकारों ने उन कंपनियों का क्या फ़ायदा कराया, और फ़ायदे कई कई तरीके से कराए गए, और ये निकल कर आया कि अधिकतर पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का, यानी कि 50% से भी ज़्यादा, घूस के लिए ही दिया गया, और घूस कई तरीके से दी गई। पहला तो ये, उसने 140 करोड़ के बॉन्ड भाजपा को दिए अप्रैल 2023 में, और उसी के अगले महीने उस कंपनी को 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भाजपा की महाराष्ट्र सरकार ने दे दिया। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कंपनी ने पैसा दिया और उसके तुरंत बाद या कुछ दिन बाद उनको बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या फिर किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और उसके बाद थोड़े दिन बाद उसने उस पार्टी को पैसे दे दिए बॉन्ड के द्वारा, जिस पार्टी की सरकार ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक तो ये तरह की घूस, एक तरह की घूसखोरी हुई। उसके अलावा कई कंपनियों के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई के रेड हुए, उनके इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे, उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा उस, यानी भाजपा को दिया, जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या आईटी डिपार्टमेंट या सीबीआई के ऊपर काबिज है, और उसके बाद उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीसरा, कई कंपनियों ने पॉलिसी बदलवाने के लिए बॉन्ड दिए, यानी कि कई कंपनियों के हक में सरकारी पॉलिसी या सरकारी कानून बना दिए गए उनको फायदा पहुंचाने के लिए। उसके एक दो उदाहरण बता देता हूं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जिसको इंपोर्ट पॉलिसी में इंटरेस्ट था कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी कम हो या बढ़े, उन्होंने अपने हक में इंपोर्ट पॉलिसी बदलवा ली और 100 करोड़ से ज़्यादा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए। उसी तरह से भारतीय टेलीकॉम एक कंपनी है, आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने भी, क्योंकि 2G वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब 2G का लाइसेंस रद्द करे तो ये बोल दिया था कि भाई स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना चाहिए, नीलामी होनी चाहिए, आप ऐसे एलोकेट नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने भारतीय टेलीकॉम की कोई फॉरेन कंपनी है उसको सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया बगैर नीलामी के, और फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डाली कि भाई हमको ये करने दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी,
तो वहां दरखास्त डाली कि हमको ये करने दिया जाए। फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको समरली रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि भाई ये तो फैसला हो चुका है, आप ऐसे एप्लीकेशन डालकर इसको नहीं बदलवा सकते। तो उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो सरकार ने जो एप्लीकेशन डाली। चौथा तरीका तो बहुत ही खतरनाक था कि बनाने वाली कंपनियां थी जिनके खिलाफ ये पाया गया कि इनकी दवाइयां जो हैं या तो जानलेवा हैं या सब स्टैंडर्ड हैं, इससे तरह तरह के नुकसान हो सकते हैं सेहत पर। और इन कंपनियों ने फिर भाजपा को या उन सरकारों को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जो उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले रही थी, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लेने के बाद इन सारे इन्वेस्टिगेशंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक उदाहरण उसका मैं देता हूँ। एक दवाई आप लोगों को पता होगी, कोविड के ज़माने में खूब दी गई, बहुत ही महंगी दवाई थी, रेमडेसिविर। आसानी से मिल भी नहीं रही थी, उसको गुजरात की एक कंपनी है जाइडस कैडिला वो मैन्युफैक्चर करती है। अब रेमडेसिविर के बारे में ये पता था कि ये बहुत ही खतरनाक जानलेवा दवाई है, एक्चुअली कोविड के पहले ये लाई गई थी दवाई, इसके ट्रायल्स में ही पता लग गया था कि बहुत ही खतरनाक जानलेवा दवाई, फिर भी इसको कोविड के दौरान चलाया गया। और जब चलाया गया तो बिहार के ही जो हेल्थ रेगुलेटर है उन्होंने ये पाया कि इसके एक बैच में तो बड़ा ज़बरदस्त बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, और उन्होंने गुजरात के रेगुलेटर को लिखा कि भाई इसको बंद करिए, इसके पकड़िए सारे। लेकिन गुजरात के रेगुलेटर ने कुछ नहीं किया क्योंकि भाजपा को इन लोगों ने खूब सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए दे दिया। तो यानी कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से लाखों करोड़, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड तो 16,500 करोड़ के दिए गए, लेकिन इसके एवज में, और अज्यूम कर लीजिए कि उसमें से 10,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड घूस के तौर पर दिए गए, लेकिन उस 10,000 करोड़ के घूस के वजह से लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए ऐसी ऐसी कंपनियों को, जैसे वो सिल्कियारा टनल जो बना रही थी नवयुग कंस्ट्रक्शन करके कंपनी, जिसमें खूब सारे लोग फंस गए थे आपको याद है उस टनल में, उस कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया टनल बनाने का। इस तरह से लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ऐसी ऐसी कंपनियों को दे दिए गए जो कंपनियां बिल्कुल बेमान थीं। अब जैसे मेगा इंजीनियरिंग के खिलाफ तो अभी CBI ने केस रजिस्टर किया है, एकदम बेमान कंपनी है, बहुत ही भ्रष्ट कंपनी है, और इन्होंने कई पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, सिर्फ भाजपा को नहीं, भाजपा को दिए 5-6 हज़ार करोड़ के, लेकिन 5-600 करोड़ के, लेकिन 5-600 करोड़ के बॉन्ड इन्होंने उसको भी दिए, BRS जो तेलंगाना में जो सरकार थी उसकी पार्टी को, वहाँ से भी इनको खूब कॉन्ट्रैक्ट मिले थे तेलंगाना की सरकार से। तो यानी कि इन 10,000 करोड़ के घूस के एवज में लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ऐसी ऐसी कंपनियों को दिए गए जो बिल्कुल भ्रष्ट थी, जो वो काम कभी ख़त्म ही नहीं करेंगी या एकदम बेकार तरीके से वो काम करेंगी। उन कंपनियों से पैसा ले लेके इन्होंने लाखों करोड़ रुपए, उन कंपनियों का जो टैक्स ड्यू वगैरह था, टैक्स की जो चोरी करी थी उन लोगों ने या जो मनी लॉन्डरिंग करी थी उसको छोड़ दिया, उन कंपनियों से 1,000-2,000 करोड़ की घूस लेकर इन्होंने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी जानलेवा दवाइयां और सब स्टैंडर्ड दवाइयां चलने दी। और अंजलि आपको बताएंगी कि ऐसी ऐसी कंपनियों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए जो बिल्कुल नई कंपनी थी, जिनके खूब लॉस थे। और इस वजह से परकला प्रभाकर जो निर्मला सीतारमण जी के पति हैं वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। आज तक विश्व में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ जितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया गया। तो कहना चाहिए कि उस कंपनी में कौन लोग थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में शरीक थे,
उन पार्टियों में कौन लोग थे, उन सरकारों में कौन लोग थे और ईडी आईटी सीबीआई में कौन लोग थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में शरीक थे कि इस तरह से पैसा घूस का ले लेकर और ये सब चलने दिया जाए, ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है जो अब जल्दी ही इसकी सुनवाई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि अब इसका एक इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी के द्वारा होगा, क्योंकि सीबीआई वगैरह तो ये इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती क्योंकि वो लोग तो खुद ही इसमें इन्वॉल्व थे। इसके लिए तो एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट बनाए, जिसमें कि कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हों इसके सीबीआई के या किसी और एजेंसी के, और जो एक सुप्रीम कोर्ट जज के निगरानी में काम करे, तब जाकर इसकी जवाबदेही तय करी जा सकेगी। हमको उम्मीद है कि आगे चलकर होगा और जो इसमें दोषी हैं उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। अंजलि आपको कुछ और चीजें बताएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।